बस मैंने हल्का सा ना मेकअप कर लिया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और ये कैसे काटना, पतला या छोटा काटना? क्या पतला पतला, बारीक बारीक। तो अभी आपको दिखी गया है, विक्की शॉपिंग कर रहा है और माय वर्क इज ऑलमोस्ट डन। देखिए हमारा काम 14 मिनट में ये भिंडी काटने का हो गया, तो इतनी देर में मैं भी कट करती हूँ कि कौन कितनी जल्दी वेजिटेबल्स काटता है। तो विक्की ऑलवेज विन। विक्की मुझसे हाँ 10-15 मिनट तेज काटती होगी, बट ये भिंडी काटने में इतना ही टाइम लगा है जितना मेरे को लगता है। आपने इतनी पावर भिंडी काटी है। पावर है ये? यस। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्रिस्पी, जो एकदम भिंडी होती है ना, कड़क कड़क कुरकुरी भिंडी जो होती है वो बनाने वाले हैं, वो विक्की को खाना है। और साथ में दाल तड़का बनाने वाले हैं और रोटी बनाएंगे, नॉर्मल खाना खाना है, क्योंकि अभी इतने दिन से कुछ ना कुछ अलग खा रहे थे। एंड जब तक रोटी नहीं जाती ना, 3-4 दिन अगर हो जाते हैं तो हम लोग रोटी को बहुत मिस करने लगते हैं, और हमने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है। नहीं, यहीं रहने दो साइड में, इसका पानी फिर उसमें जाएगा, फिर नहीं कुछ नहीं होता, किनकिना होगी। तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ। रवा और सूजी में क्या डिफरेंस है? देखो क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा? रवा और सूजी कह रही हूँ, सूजी में कोई डिफरेंस नहीं। देखो अभी मास्टर शेफ का कॉल आ गया, अभी वो एक घंटे बाद आएगी। क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी के ऊपर डाला है थोड़ा सा अजवाइन, यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, देन आमचूर डाला है, हल्दी डाली है, मिर्ची डाला है, साथ ही साथ मैं भुना जीरा जो होता है वो मैंने डाला हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने जो राइस फ्लोर होता है, मतलब चावल का आटा, वो मैंने डाला है। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है बेसन। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सब अच्छे से कोटेड वेल हो, और इसमें हम कुछ और नहीं मिलाने वाले, ना प्याज मिलाने वाले, ना कुछ मिलाने वाले। अब हमको सिर्फ तेल लेना है और इसमें इसको फ्राई कर देना है, दैट्स इट। आपकी जो क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी है वो बन जाती है, बहुत ईजी होती है, बहुत सिंपल होती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लास्ट में इसमें सॉल्ट ज़रूर मिला लीजिएगा, बट बिल्कुल एंड में जब आपका सब्ज़ी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका हो तभी आप इसमें सॉल्ट ऐड करिएगा। तो मैं आप दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भिंडियाँ थोड़ा थोड़ा लेके फ्राई कर लीजिए लाइक भजिए की तरह, बट आई प्रिफर कि मैं एक साथ सबको बनाती हूँ, वो प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है और बहुत ऑयली हो जाता है। Look at the level of sweating on my face. See this. मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, अभी मेरी दाल बची है, दाल को मुझे बगाड़ना है, फ्राई करना है, उसके बाद मैं जाकर के शार लूँगी। कैन यू सी दिस, ये पूरा ये गोल्डन ब्राउन टाइप की हो चुकी है, एंड अभी भी यहाँ पर नीचे हल्का हल्का सा ऑयल है, तो मैं इसको टिश्यू पेपर पर निकालूंगी ताकि ये पूरी तरह से जो इसका ऑयल है वो हट जाए। ऊपर लेमन स्क्वीज कर सकते हो अगर आपको खट्टा भी पसंद है, तो मैं ऑब्वियसली करूँगी उसमें लेमन स्क्वीज, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है। एंड उसके ऊपर हल्का सा कोरिएंडर आप डाल सकते हो इफ़ यू हैव लॉट ऑफ कोरिएंडर्स, बट मैं इसमें कोरिएंडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नॉट नीडेड। और अब आते हैं दाल बगाड़ने पे, तो वही जिस तरह से मैं जनरली दाल बगाड़ती हूँ वैसे ही दाल बगाड़ूंगी। Thank you.
हे गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और अभी मैं लंच कर रही हूँ और लंच करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, सो मैं एक्चुअली अभी 2 घंटे से वीडियो एडिट कर रही थी। आज जो वीडियो जाने वाला था, आज फ्राइडे है और आज जो वीडियो जाने वाला था वो वीडियो आई डोंट नो मेरे लैपटॉप में से करप्ट हो गया था, पता नहीं कैसे पूरा वीडियो करप्ट हो गया था, तो मुझे उसको फिर से री एडिट करना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड करना है, तो बहुत टाइम नहीं लगा मुझे, 2 घंटे लगे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप में 2 घंटे बैठी एडिट हो गया और अभी वो पब्लिश कर दिया मैंने, 5 बजे पब्लिश किया है। तो यहाँ पर मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का ये क्रिस्टल स्मूदनिंग रेडियंस एसेंस। ये एक्चुअली ना इसको काफ़ी सारे लोगों ने लिया एंड दे वर सेइंग मी कि ये बिल्कुल पानी की तरह है, ये कुछ काम नहीं करता है। आई नो दिस इज, मैंने ये चीज़ आपको इंक्लूड किया था कि बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है। अब जैसे मुंबई में अभी इतनी गंदी वाली ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई है कि आपको फेस पे कुछ भी लगाने का मन नहीं करेगा, मतलब नॉट इवन मॉइस्चराइजर, नॉट इवन सनस्क्रीन, बिकॉज कुछ नहीं लगाने का मन करेगा। तो इस तरह की चीज़ें तब वर्क करती है, मतलब समर्स में दिस विल वर्क वेरी वेल। हाई गाइज, सो आई जस्ट गॉट रेडी फॉर माई लाइव सेशन एंड ये है मेरा सेटअप क्योंकि मैं लाइव जाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। सो यस, मैंने सेम टॉप पहना हुआ है, बस मैंने हल्का सा ना मेकअप कर लिया है। मेकअप में क्या किया, मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है और ग्लॉस लगा लिया है एंड वही ग्लॉस मैंने आँखों के ऊपर हल्का सा लगा लिया है एंड यहाँ पर हल्का सा ब्लश लगाया है, दैट्स इट। और जो बन है उसको थोड़ा नीट तरीके से बना लिया है और थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़े अच्छे वे में बनाया है। पहले तो मैं ऐसे ही घर में तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ बस ऐसे ऐसे लपेट के, तो मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया है और 6:30 इज द टाइम व्हेन आई हैव टू गो लाइव विद हर। तो Hi guys, so I just finished my live session or it was amazing. वो ऑफिशियल लाइव सेशन तो नहीं लग रहा था, मोर देन ऑफिशियल, वो काफ़ी फन और चैटी लाइव सेशन था क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी फ्रेंड थी और हम दोनों काफ़ी अच्छा एक रैपो शेयर करते हैं, तो हम लोग मस्ती ज़्यादा कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब वाले तो क्वेश्चंस पूछे नहीं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से हम इन लॉज से रिलेटेड थे। मैं कल पोस्ट करती ना अगर तो शायद आज ज़्यादा लोग आ सकते थे क्योंकि मैं अचानक आ गई थी, मैंने शेयर बहुत लेट किया था। सो यस, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा खाने वाने का काम करने के लिए। सो जस्ट चेंज इन टू दिस नाइट सूट, मैं आपको ये पूरा नाइट सूट दिखाती हूँ। ये है मेरा नाइट सूट, काफ़ी क्यूट सा है, इसमें बहुत ही क्यूट सी ये बनी हुई है। तो अगेन दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो ज़िवामे और इतना कम्फर्टेबल है, ये इतना कम्फर्टेबल है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत पतला एंड सॉफ्ट कपड़ा है इसका। तो मैं जा रही हूँ डिनर करने और डिनर करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो तो हम लोग थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ये सामान लेकर के आए थे, 24 घंटे से यहीं पे रखा हुआ है। कल मैं इसको पूरा वॉश करूँगी एंड देन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए यहीं पे रखा हुआ है इस तरह से ही, और मैं इसको कल वॉश करूँगी। तो हम सारा ज़रूरत का सामान लेकर के आए हैं, लाइक ये मैं लेकर के आई हूँ हैंड वॉश लेकर आई हूँ, उसके बाद ये लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए फॉर ग्रूमिंग वाला, मुझे इसके जो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ, तो फिर ऊपर कुछ यीपी के पैकेट है, वहाँ पर चिप्स हैं, वहाँ पर बिस्किट के पैकेट्स हैं। देन उसके बाद हम लोग अभी रिसेंटली ये पीते हैं, क्या है ये, कश्मीरी कावा, अमेजिंग। अगर जैसे हम दोनों को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है तो ये काढ़ा का वर्क करती है, ये पूरी तरह से काढ़ा के जो जो चीज़ें हम लोग डालते हैं अलग से वो सब इसमें ऑलरेडी है। तो जैसे अभी तो रामदेव बाबा वाली जो पतंजलि की शॉप है वहाँ से हम सारा सामान लेके आते थे, तो वो ओपन नहीं है हमारे आसपास कोई भी जगह पे, तो फिर ये काम करता है। तो इसके हम लोग पैकेट लेकर के आए एंड देन उसके बाद एक तुलसी और अदरक की ये ऑर्गेनिक इंडिया की मसाला चाय लेकर के आए, ये लेकर के आए। और फिर उसके बाद ये बर्तन साफ करने के लिए ऐसे, मतलब घर का ही सामान लेकर के आए हैं कुछ कुछ। उसके बाद रस्क के पैकेट आए हैं, चावल हमारे ख़त्म होने वाले थे तो चावल आ गए हैं, तो ऐसा सब आ गया है। मतलब अभी हम 1 मंथ घर से निकलेंगे नहीं तो भी हमारा काम चल जाएगा, इतना सामान आ गया है। तो ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन, आई लाइक दिस पाउच। तो ये है, ये लेकर के आई हूँ। सो दीज आर ऑल इट्स रीफिल पैक्स। और ये ठीक है, सैटिन केयर फॉर सेंसिटिव, शेव जेल विथ एलोवेरा जेल, शेविंग जेल है, तो इट्स नाइस। वैसे मैं शेविंग जेल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल पानी लगाती हूँ, सोप लगाती हूँ या जो भी बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ वो लूफा से एक बार रब करती हूँ,
तो वो मेरी प्रेप हो जाती है स्किन एंड देन जस्ट स्टार्ट शेविंग. इतना तामझाम नहीं करती हूँ मैं. और मैंने कभी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके साथ आया है तो मुझे अकेले मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने फिर ये पूरा पूरा एक पैकेट ही खरीद लिया. पता चलता नहीं तो ये भी नहीं मिलता. पिछली बार मैं लास्ट टाइम गई तो मुझे ये भी कुछ नहीं मिला था, मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से. तो ये आ गया है और बाकी जस्ट नॉर्मल सी चीज़ें हैं. तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फोर शॉट सीजन टू. कल 17 थी ना, कल की आज है, आज 17 है, आज ही लॉन्च हुआ है. और सीजन 1 देख चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, जब लॉन्च हुआ था तभी देख लिया था. और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधे कल. बाय, गुड नाइट. मॉर्निंग सरप्राइज बाय विकी. यू 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 यू. गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोगों का आज सैटरडे का नाश्ता कंप्लीट हो चुका है. तो एमपी वाले हैं ना, तो हम लोगों के लिए पोहा और उसके साथ जलेबी मिल जाए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे लिए. जलेबी या समोसा. बट अगर नहीं भी मिल जाए तो भी पोहा इज लाइक अच्छा. बहुत सारी क्वांटिटी में विक्की ने बना दिया है. तो अब सुबह का लंच स्किप करने वाले हैं. अभी दूध रखा हुआ है तो वो चॉकलेट मिल्क बना के पियेंगे. आज का दिन और सॉर्टेड हो गया है. तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर खत्म करते हैं. हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सो टिल देन बाय.